नमस्कार सभी को, आरआर हॉस्पिटल के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे कैंसर के पेशेंट हैं, उनके अटेंडेंट से, वो यहाँ पर आए हुए हैं आरआर हॉस्पिटल में। इनके एक पेशेंट का ट्रीटमेंट चला हुआ है, कैंसर थे उनको, गॉल ब्लैडर में कैंसर था जिनको, और इन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं, पेशेंट के अटेंडेंट की ज़ुबानी जानते हैं कि किस प्रकार का रिलीफ है इनको। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार। आप कहाँ से हैं, आपका पूरा एड्रेस बताइए। सोनीपत से। सोनीपत से। हाँ जी। अच्छा, आपके जो पेशेंट है उनको किस प्रकार की दिक्कत थी, किस प्रकार की समस्या थी? उसके गॉल ब्लैडर में गांठ थी। वो गॉल ब्लैडर में इनको गांठ थी पेशेंट को। और आपको यहाँ से कितने समय हो गए दवाई लेते हुए? 2 महीने हुए। 2 महीने हो गए इनको यहाँ से दवाई लेते हुए, तो आपको किस प्रकार का रिजल्ट मिला है यहाँ से? कम से कम 80% आराम। 80% आराम बता रहे हैं इनको कि सिर्फ 2 महीने की दवाइयाँ ली हैं, 80% आराम है। आप यहाँ पर आए शुरू में, तो आपको कैसे पता चला कि यहाँ पर आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट होता है कैंसर का? फ़ोन में देखा था, फ़ोन में देख कर फिर उसके पास डॉक्टर से फ़ोन किया, उसके बाद आए थे हम। इन्होंने यूट्यूब चैनल के माध्यम से ही देखा था, आरआर हॉस्पिटल के यूट्यूब चैनल के माध्यम से इनको पता लगा था कि यहाँ पर कैंसर का आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट होता है। तो पहले माताजी को इसके अलावा क्या क्या समस्या रहती थी वो बताइए आप। क्या उनको पीलिया भी बना हुआ था? पीलिया था पहले, कई साल रहा पीलिया भी। पीलिया भी कई साल था, और क्या समस्या रहती थी? उसको लकवा लग रहा, जो रहे लकवा भी लग रहा था, और इसके अलावा पथरी भी है, पथरी भी है गॉल ब्लैडर में। और कोई समस्या? और तो मैंने तो यह थे गांठ वाले और पथरी वाले। अच्छा, अब उनको 80% आराम है। आप जो दूसरे अन्य कैंसर के मरीज हैं उनको आप क्या सलाह देना चाहोगे इसके बारे में? यही है, सही दवाई है, बढ़िया दवाई दें, आराम हुआ है। ठीक है, तो आयुर्वेदा को बढ़ावा देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।